नमस्कार फ्रेंड, आज मैं LHIS एकेडमी परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही साथ आज झारखंड दरोगा के संबंध में डिटेल डिस्कस करेंगे सिलेबस के ऊपर, और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा सिलेबस में रघुवर दास से अवर की सिलेबस में क्या चेंजेस लाई गई है या फिर उसी प्रकार का है। एक सबसे बड़ी एक इसमें समस्या देखने को मिल रहा था, एज का मुद्दा। क्या झारखंड की सरकार रघुवर दास के द्वारा जिस प्रकार से 21 वर्ष से 26 वर्ष किए गए, इस वर्ष भी क्या उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उन्हीं के राह पे चलेंगे या फिर इसमें से एज में कुछ बदलाव होंगे। अब इसमें से हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं झारखंड दरोगा के सिलेबस के संबंध में, और हमें क्या क्या टारगेट करना वो भी बात करेंगे। झारखंड दरोगा, जिसे हम सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, सब इंस्पेक्टर। आइए फ्रेंड, हम इसमें से बात करें टोटल पोस्ट की। अगर हम बात करें कुल पोस्ट 946 हम लोग देख पा रहे हैं, इसकी अधियाचना भेजी गई। लेकिन ये 946 पोस्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये 946 दरअसल नहीं होगा। ये जब वैकेंसी आएगी तो ये हो सकता है बढ़ करके आपको 1200 से 1500 के आसपास या 1500 से भी प्लस जा सकता है। एक एक्सपेक्टेड पोस्ट की हमने बात करी, उतना जा सकता है या उससे भी मोर ऑर लेस अबव हो सकता है, आप देखेंगे। अब इसी में हम आगे बात करें, इसमें देखेंगे कैटेगरी वाइज हम लोग क्या देखेंगे। इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं, किन किन कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, कैटेगरी वाइज वैकेंसी जनरल EWS, जनरल और EWS के बारे में हम बात करें, जनरल और EWS अगर आप देखें तो जनरल के लिए 239 पोस्ट है और EWS के लिए 59 पोस्ट है। अगर हम OBC में आए, BC1 और BC2 में, तो BC1 में 47 पोस्ट है और 36 पोस्ट है BC2 में। इसी प्रकार से हम SC की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 60 पोस्ट। लेकिन फिर अगर आप ST में आएंगे तो यहां आप देखेंगे 155 पोस्ट। फीमेल कैटेगरी के लिए 5% रिजर्व रखा गया है, 5% रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ जो प्लेयर होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनके लिए भी 2% क्या है, रिजर्व है, 2% इनके लिए भी रिजर्व है। लेकिन अब हम आगे बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो बैकलॉग वैकेंसी में हम इसमें देख पाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं बैकलॉग वैकेंसी जनरली होता क्या है। देखिए फ्रेंड, बैकलॉग वैकेंसी वैसा वैकेंसी जो SC ST से संबंध रखता हो, यानी अगर सपोज कीजिए 2020 में वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में SC ST का पूरा फिलअप नहीं हो पाया, तो अगर नेक्स्ट में वैकेंसी आती है तो उस SC ST का पोस्ट जो होगा उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, रेस्ट बचा हुआ वाला, इसीलिए उसे हम बैकलॉग वैकेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं बैकलॉग वैकेंसी में हम ST के बारे में बात करें तो ST का कुल 278 पोस्ट हम देख पाते हैं, SC में कुल हम 44 पोस्ट देख पाते हैं और BC1 में कुल हम 28 पोस्ट देख पाते हैं। ओवरऑल अगर सब आप पोस्ट को मिला दें 278,
44 और 28 तो हो जाता है 350 पोस्ट, 350 पोस्ट हो जाता है। ये हमारा कुल बैकलॉग वैकेंसीज है जो 946 में ही देखने को आपको मिलता है। आगे हम फर्दर बात करते हैं कि आखिर क्वालिफिकेशन इसका क्या होगा। क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में एक आपको प्लेन नॉर्मल ग्रेजुएट होना मांगता है, यानी उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ एक बात इसमें जो कहा है 10th और 12th, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10वीं और 12वीं आपको झारखंड से होना मांगता है। अगर आप 10वीं और 12वीं अगर आपकी झारखंड से हुई है तो आप दरोगा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी अगर 10th और 12th अदर स्टेट से हुई है तो आप एलिजिबल नहीं है। अदर स्टेट से अगर हुई है तो आप नहीं एलिजिबल होंगे उसके लिए। अब हम इसमें बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो है एज को लेकर के, यानी एज का कट ऑफ क्या होगा मैक्सिमम। तो देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए हम देख पा रहे हैं 35 वर्ष। जी हाँ बिल्कुल सही आपने देखा और सुना कि 35 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए एज होगा। लेकिन आपने देखा होगा दरअसल 2017 में जब वैकेंसी आई थी रघुवर दास उस समय सीएम थे, सीएम कौन थे रघुवर दास, इनके शासनकाल में 21 वर्ष से लेकर के कितना वर्ष किया गया था 26 वर्ष किया गया था। अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट परेशान हैं कि आखिर वैकेंसी आती है तो एज क्या होगा। बहुत से कॉल्स भी आए लेकिन मैंने उन लोगों से कहा है कि आप घबराएं नहीं, एज में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है और ऐसा ही कुछ देखने को आपको मिलेगा। आप निश्चित मानिए कि जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष होने की संभावना प्रबल है। अब BC1 और BC2 के लिए इन दोनों के लिए 37 इयर्स होगा। और फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें जनरल में EWS में या BC1 BC2 में तो इनके लिए 38 वर्ष होगा। ये आपका मैक्सिमम एज होगा कैटेगरी वाइज। फीमेल में भी आप देख लिए इस प्रकार से एज इनकी मैक्सिमम होने की संभावनाएं पूर्ण है। आगे अब हम इसमें बात करते हैं कि SC ST के लिए मेल और फीमेल के लिए दरोगा बनने का जिनका एक वर्दी का सपना होगा उनका साकार वो कर सकते हैं। SC ST 40 वर्ष दिया गया है, आप आसानी से इस राज्य में दरोगा बन करके सेवा दे सकते हैं। जिनको वर्दी का ज्यादा शौक है वो ये दरोगा आपको पूरा कर देगा। तो ये मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष है फ्रेंड, ये विशेष आप ध्यान में रखिएगा कैटेगरी वाइज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट समझ जाइए कि एक मसला था जो मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार इस मसला को हिट कर रही है। और जो पहले रघुवर दास ने जिस प्रकार से 21 से 26 वर्ष किए और जहां झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं की जो एक आशा और सपना था वो साकार नहीं हो सका, मुझे लगता है कि इस सरकार में आपको दरोगा में एकदम प्रबल संभावना है कि मैक्सिमम एज की रिलैक्सेशन इसी प्रकार से मिलने की संभावनाएं दिख रही है। आगे हम इसी में बात करें कि आखिर दरोगा में हम लोग कौन कौन सा पोस्ट देख पाते हैं। दरोगा देखिए SI में हम लोग क्या क्या देखेंगे, दरोगा में एक जिला पुलिस या झारखंड पुलिस, जिला पुलिस या झारखंड पुलिस एक इसमें से आपको पद दिखता है, ये दरोगा का ही है। या फिर आपको स्पेशल ब्रांच का पोस्ट मिलता है या फिर जिला यूनिट अटेंडेंट का आपको पोस्ट मिलता है। तो इस SI में दरोगा में हम लोग इस प्रकार से तीनों को देख पाए कि
कौन कौन से कैटेगरी बेहतर होगा और कौन सा हमारे लिए पोस्ट बेहतर होगा, वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा प्रेफरेंस में कि आपको इसी प्रकार से मांगा जाएगा कि आप पहला प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, तो मैं आपको वैकेंसी आने के बाद बता दूंगा। आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए फ्रेंड, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, तो एक लिखा हुआ है पेट, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और दूसरा है मेडिकल, और तीसरे नंबर पे एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी रघुवर दास की सरकार में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को उलट करके अगर झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले प्राथमिकता उन्होंने फिजिकल को दिया है, तो इसमें हम बात करते हैं आगे कि फिजिकल में क्या क्या चीजें मांगा जाएगा, क्या क्या आपका प्रोसेस है, क्राइटेरिया क्या क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फिजिकल, फिजिकल में क्या है, फिजिकल में हम रनिंग और हाइट देखेंगे, किसके लिए, मेल और फीमेल के लिए। आइए सबसे पहला हम बात करते हैं रनिंग। रनिंग में हम मेल की बात करेंगे। मेल 10 किलोमीटर 60 मिनट में उसको दौड़ना होगा, यानी एक पुरुष को 60 मिनट में उसको 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, 10 किलोमीटर। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, और ये आपकी जो दौड़ होगी ना एक सर्कल में होगी। आपने अगर कोई देखा होगा दरोगा का वैकेंसीज में दौड़, तो आपको दिखाई दिया होगा कि आपके पास में छोटे से जितने राउंड्स, 10 किलोमीटर की बात करें, एक अगर 25 का चक्कर अगर आपको लगाना है तो एक हाथ में होगी, आपको एक कुछ दे दिया जाएगा, जैसे ही उसमें एक से लेकर 25 तक होगा, एक दौड़ आपने पूरा किया तो एक आपने वही गिरा दिया, यानी एक वहाँ पे हो गई पूर्ण, फिर आप वहाँ पे आए तो दूसरा को आपने वहाँ छोड़ दिया। इस प्रकार से आपने रनिंग में देखा होगा, तो आप प्रयास कीजिएगा, अभी से अभ्यास कीजिए। इसीलिए एक अंग्रेजी में बहुत अच्छी सी लाइन है और वह लाइन आप जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट होंगे, तभी आप पे परफेक्शन भी आएगी। तो फ्रेंड, आपको जो दौड़ना है वो 10 किलोमीटर 60 मिनट में आपको पूरा करना है, और वही फीमेल के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है। और आप प्रयास कीजिएगा राउंड सर्कल वाले में, आप डायरेक्ट नहीं प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सर्कल वाले थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपकी प्रयास रहेगी तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना होगा। मेल में और फीमेल में, फीमेल को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है। अब अगर हम हाइट की बात करें मेल का, जैसे आप देख पा रहे हो, हमने एक डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है एक इस पूरे चार्ट को, कि ताकि आपके माइंड में विजिबिलिटी हो, एकदम क्लैरिटी हो और आपके माइंड में सेट हो जाए, तो मैंने इसलिए इसे बनाया है। आप जैसे देख पा रहे हैं मेल, तो मेल के लिए क्या हाइट खोजा जा रहा है, 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट कितना है, 81 सेंटीमीटर। अगर आप इसे चेस्ट को अगर आप फुलाते हैं तो 81 आसानी से आप कर पाएंगे, समस्या नहीं आएगी, बहुत नॉर्मल हाइट भी है, चेस्ट भी आपकी 81 मांगा जा रहा है। एससी एसटी के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, लेकिन अगर हम इसकी चेस्ट की बात करें तो चेस्ट कितना मांगा जा रहा है, 79 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा जा रहा है। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एससी और एसटी के लिए चेस्ट, जैसे आप देख पा रहे हैं 79 सेंटीमीटर। लेकिन फीमेल के लिए अगर हम हाइट की बात करें सभी कैटेगरी के लिए, तो कितनी हाइट खोजा जा रहा है, सभी फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। ये बात इसमें आपका अबर का सिलेबस में है कि इतना मिनिमम होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट में क्या क्या देखा जाएगा। जब आप फिजिकल पास करेंगे
अब मेडिकल टेस्ट होगी, तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें देखा जाएगा, आई आई देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा, बॉडी देखा जाएगा, लेग देखा जाएगा, घुटना देखा जाएगा, हैंड देखा जाएगा। ये सभी चीजें आपको एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा देखा जाएगा। कहाँ? कोई भी सरकारी अस्पताल में, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां पे अधिकारी चेक करेंगे। और साथ ही साथ जब हमने अभी चेस्ट की बात कही, हाइट की बात कही, तो वहाँ पे जो एक अधिकारी होंगे, पुलिस अधिकारी, वो चेक करेंगे, देखेंगे। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे एक और महत्वपूर्ण बात कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम का पैटर्न। आपने फिजिकल पास करा, अब आइए एग्जाम की पैटर्न क्या होगी। तो एग्जाम का पैटर्न में बात करें तो तीन पेपर जनरली होगा, पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री। जैसे आप पेपर वन की हम बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश होगा, जो 60 क्वेश्चन हिंदी, 60 क्वेश्चन अंग्रेजी, कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन होगा। इसमें आपको केवल लाना है 30%, एक क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब है कि केवल आपको ही करना है, केवल आपको ये पासिंग मार्क्स है जो हम ला सकते हैं, 60 60 120 गुने तीन। आप जानते हैं कि तीन ही होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, तो आपका टोटल इसमें हो सकता है 360। और 360 का 30% लगभग आपका हो जाएगा 108 मार्क्स। अगर आप 108 ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है फ्रेंड, हिंदी इंग्लिश। आगे हम पेपर टू की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज होगा, 12 भाषा होगा। इस 12 भाषा में आपको कोई एक रखना है, एनी वन, कोई एक भाषा आप चूज करेंगे, जो आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा फ्रेंड। और ये पेपर मेरिट लिस्ट में ऐड होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप कोई भी भाषा, कोई भी यहाँ से आप भाषा रख सकते हैं 12 में, जैसे खोटा रखिए, खड़िया रखिए, कुरमाली रखिए, हो रखिए, नागपुरी रखिए, मुंडारी रखिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कोई भी आप 12 में से एक आप रख सकते हैं, जो 100 क्वेश्चन होगा और यहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड होगी। और पेपर नंबर थर्ड, यही दो पेपर से आपका रिजल्ट होगा फ्रेंड, 100%। यही दो जगह से आपकी रिजल्ट होगी। जनरल स्टडीज, अब जनरल स्टडीज में टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। इस 150 क्वेश्चन में जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन होगा वो 30 क्वेश्चन होगा। और इस जनरल स्टडीज में कौन कौन से सेगमेंट होंगे फ्रेंड, जैसे हिस्ट्री का सेगमेंट होगा, ज्योग्राफी का सेगमेंट होगा, पॉलिटी का सेगमेंट होगा, इको का सेगमेंट होगा, इन तमाम चीजें अगर आप देखें तो यहाँ से जनरल स्टडीज से कुल 30 सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे इसमें वेटेज रखता है झारखंड। आसानी से आप इसे अच्छा करके आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और अपना मेरिट पे आ सकते हैं, जगह बना सकते हैं मेरिट लिस्ट में। तो झारखंड कुल 40 क्वेश्चन होगा। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, मैंने जितना भी झारखंड कराया है, जो स्टूडेंट देख रहे होंगे या वीडियो, मुझे लगता है उससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप एग्जामिनेशन में महसूस करेंगे। आप अभी क्लासेस भी कर रहे हैं तो आपको जितने भी आप सोर्स से क्लासेस किए हो या जितने भी आपने बुक्स पढ़ा है, आप एक बार वो देखिए, एक बार मैंने जो लिखा है उसे आप पलट के देखें, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने जो चीज़ें लिखाया है, बहुत से ऐसे बुक्स है जिस बुक्स में नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, एक समस्या आ सकता है। लेकिन जितना मैंने कराया है उसे आप गो थ्रू हो लेंगे तो आई होप सो बेटर होगा। और जनरल स्टडीज में और क्या पेपर है, जैसे आप देखिए जनरल साइंस,
जैसे हम देखें तो जनरल साइंस ये आपका एक इसी का पेपर है जो जनरल स्टडीज में 20 सवाल के क्वेश्चन जनरल साइंस से बनेंगे, और जनरल एक मैथ्स होगा जो 20 सवाल होगा मैथ से, जनरल रीजनिंग भी यहाँ होगा और ये भी 20 सवाल होंगे, और कंप्यूटर भी होगा तो कंप्यूटर भी कितना होगा फ्रेंड 20 क्वेश्चन होगा कंप्यूटर भी। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखिएगा, और मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा कि कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए जिससे आपकी दरोगा में सफल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। आप कैसे तैयारी करेंगे मैं एक स्ट्रेटजी अवश्य बताऊंगा दरोगा के संबंध में। तो आज मैंने एक सोचा, बहुत से कॉल्स आए कि सर मैं आपकी लेक्चर की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप कंप्लीट एक हम लोग को सिलेबस दे दें, साथ ही साथ में क्या क्राइटेरिया होगा एक पूरा ओवरव्यू आप बता दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलो वीडियो में बता देता हूँ, वीडियो के माध्यम से जो प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनको मेरा काफ़ी वेट रहता है, मैं उन सभी छात्र छात्राओं को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरा प्रतीक्षा करते हैं मेरे लेक्चर का, उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका कि आप इसी प्रकार से मुझे भी मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपके लिए समय टू समय एक खास मैं वीडियो साथ ही साथ क्लासेस की हो या कोई अपडेट हो मैं लेकर के आते रहूं। आगे हम बात करते हैं मेरिट को लेकर के। जैसा कि अभी हमने कहा था कि पेपर वन और पेपर टू को देखें तो वहीं से आपकी मेरिट बनेगी, और इस पेपर वन और टू में जो मार्क्स आएंगे उसी मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, चाहे जनरल की हो या फिर ओबीसी की हो। जनरल में ईडब्ल्यूएस भी आएंगे, ओबीसी में इसमें दोनों आ जाएंगे, बीसी वन और बीसी टू। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो एससी एसटी आएंगे, तो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी मार्क्स क्या रही है और उस अनुसार कैटेगरी वाइज आपकी देखी जाएगी मेरिट। तो ये ओवरऑल पूरा दरोगा का एक आपका पूरा सिलेबस रहा। अब आप अपना एक रणनीति के मुताबिक आप तैयारी शुरू करें और होपफुली इस वर्ष वैकेंसी आने की प्रबल संभावनाएं है। अगर इन केस इस वर्ष नहीं आ पाती है तो आप नए साल में अवश्य देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है नवंबर में आपको वैकेंसी दिखाई दे, साथ ही साथ जेपीएससी की भी वैकेंसी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और मेरे यहाँ भी दरोगा का एक स्पेशल बैच ऑनलाइन और एक ऑफलाइन शुभारंभ होने जा रहा है, ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों बैचेस उन स्टूडेंट उन एस्पिरेंट्स के लिए होगा जो स्पेशली मेरा लेक्चर का झारखंड का प्रतीक्षा कर रही हूँ, और जनरल स्टडीज का जितने भी सामान्य अध्ययन का पेपर है वो सारे पेपर एलिट आईएएस एकेडमी की टीम पूरी प्रतिबद्धता के साथ में कमिटेड है आपको मंजिल तक पहुँचाने के लिए। और एक विशेष बात यह भी याद रहे कि हो सकता है कि इस दरोगा में जो आपकी लैंग्वेज पेपर है तो मेरे यहाँ दो ही पेपर कराया जा सकता है, एक आपको खोरठा देखने को मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खोरठा, और एक पेपर नागपुरी। और बाकी की जो पेपर्स है जनरल स्टडीज का वो आपका सारा पेपर स्मूथली आपकी आसानी से होगी, किसी भी प्रकार की समस्या अगर हो तो आप ऑफिस का नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9798888482, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत आज के लिए धन्यवाद।